दोस्तों पिछले लेसन में हम लोगों ने फोटोशॉप में ब्लर और शार्पन टूल की मदद से किसी भी पिक्चर में डेप्थ क्रिएट करना सीखा। इस लेसन में अब हम लोग जिन टूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं वो है डॉज एंड बर्न टूल। दोस्तों जब भी हम कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है उस पिक्चर में मौजूद लाइट। दोस्तों इस लाइट को एडिट करने के लिए हम फोटोशॉप में जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो हैं डॉज एंड बर्न टूल। इन्हीं टूल्स को हम इस लेसन के अंदर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। दोस्तों आपके सामने ये एक इमेज मौजूद है, इस इमेज को हम पहले भी ट्रीट कर चुके हैं कुछ टूल्स की मदद से फोटोशॉप में। इस लेसन में हम लोग इस इमेज के ऊपर डॉज एंड बर्न टूल को इस्तेमाल करके देखेंगे। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं डॉज एंड बर्न टूल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई है, जिसमें कि मैंने इस इमेज के ऊपर पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल का इस्तेमाल पहले से कर रखा है। अब मैंने यहाँ पे जो इस्तेमाल करने हैं वो हैं हमारे डॉज एंड बर्न टूल। दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले ये करूँगा कि मैं डुप्लीकेट लूँगा कंट्रोल जे की मदद से इस लेयर की, और यहाँ पे मैं नाम दूंगा इसका डॉज एंड बर्न का, ताकि मुझे याद रहे बाद में कि मैंने जो डॉज एंड बर्न वाला काम है वो इस लेयर के अंदर किया हुआ है। अच्छा दोस्तों, क्योंकि इसमें सैंपल ऑल लेयर्स वाली ऑप्शन हमारे पास नहीं होती, तो हमें डॉज एंड बर्न जो है ये डुप्लीकेट लेके लेयर को उसी के ऊपर हमें इसको अप्लाई करना पड़ता है। लिहाजा अब हम स्टार्ट करते हैं डॉज एंड बर्न। दोस्तों ओ जो है ये शॉर्ट की है डॉज एंड बर्न की। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड के ऊपर ओ प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे डॉज एंड बर्न टूल जो है इसकी ऑप्शन ओपन हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि डॉज एंड बर्न टूल जो है वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे इसके ऑप्शंस देखें तो हमारे पास ब्रश की ऑप्शंस हैं, जिसमें कि हम सॉफ्ट ब्रश चूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोई हार्ड ब्रश चूज कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे एक सॉफ्ट ब्रश जो है वो ऑलरेडी चूज किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है शेडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स। दोस्तों क्योंकि ये जो डॉज एंड बर्न की जो ऑप्शन है, ये मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया कि डॉज एंड बर्न टूल जो है ये बेसिकली लाइट से रेलेवेंट है। इस वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है शेडोज, हाईलाइट्स और मिड टोन्स, यानी कि हम किसी भी इमेज के शेडोज, हाईलाइट्स और मिड टोन्स तीनों को डॉज एंड बर्न टूल की मदद से अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं जिस ऑप्शन को चूज करूंगा वो है मिड टोन्स की। यहाँ पे हमारे पास एक्सपोजर की ऑप्शन भी मौजूद है। हम एक्सपोजर थोड़ा सा कम करके इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, ताकि हम जब ब्रश अप्लाई करें तो वो एकदम से बुरा ना लगे और पैच सा ना क्रिएट हो। लिहाजा दोस्तों मैं अब इसके ऊपर थोड़ा सा डॉज अप्लाई करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें दोस्तों, डॉज टूल को इस्तेमाल करते हुए आपने करना सिर्फ ये है कि जहाँ पे आपके इमेज के अंदर हाइलाइट्स पहले से अवेलेबल हैं उनको आपने थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देना है। जैसा यहाँ पे अगर मैं आइज के अंदर आऊँ तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे आइज को हम मज़ीद थोड़ा सा वाइट कर सकते हैं, ताकि जो आइज़ हैं वो ये जो इनके अंदर ये जो एक रेडिशनेस है और जो डिफरेंट सा एक शेड आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम हम डॉट टूल से करते हैं, यहाँ पे हम एक लाइट रिंग क्रिएट कर देंगे। ये देखें, ये जो रेटिना के इर्द गिर्द हमने यहाँ पे डॉट टूल की मदद से एक लाइट रिंग क्रिएट कर दिया। अगर मैं इसको ऑफ करूं लेयर को तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि इमेज के अंदर बिल्कुल एक जान सी पैदा हो गई है, जो आइज हैं वो बिल्कुल हमें अब अलाइव फील हो रही हैं। दोस्तों ये जो जो एरियाज हैं हम ब्रश को कम ज़्यादा करते हुए उन एरियाज पे जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस होती है या जहाँ जहाँ पे पहले से हाईलाइट्स और लाइट्स अवेलेबल हैं उन एरियाज को हम इन्हेंस करते जाएंगे इस टूल की मदद से। लेकिन हमने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम जो डॉज अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से कोई भी एरिया जो है वो ख़राब ना होने पाए। हम डेफिनेटली जूम इन करते रहेंगे मीन वाइल, और साथ साथ हम जो है वो अपने टूल को अप्लाई करते रहेंगे। ये देखें जो एरियाज, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि क्लियरली हमें नज़र आ रहा होता है कि उनके अंदर अगर हम कुछ थोड़ा सा डॉज अप्लाई करें तो लाइट मज़ीद क्लियर हो जाती है। अब ये देखें अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये, और दोबारा ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हाइलाइट्स किस कदर जो हैं वो विजिबल हो चुकी हैं। इसी तरह से यहाँ पे ईयर के जो अंदर वाला पोर्शन है ये भी मुझे कुछ ऐसे
लग रहा है कि इसमें भी मार्जिन है और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डॉज अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो ये तो हो गया दोस्तों डॉज। अब हम आते हैं बर्न की तरफ। दोस्तों डॉज बेसिकली बर्न के बिल्कुल ऑपोजिट है। दोस्तों डॉज टूल की मदद से हम हाइलाइट्स यानी कि लाइट को ऐड करते हैं, बर्न टूल की मदद से हम डार्क्स को ऐड करते हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है डॉज एंड बर्न के अंदर। तो दोस्तों अब ये बर्न को लेके मैं क्या करूंगा कि जो एरियाज मुझे थोड़े थोड़े डार्क लग रहे हैं, जिसमें ये आईब्रोज हैं इसकी, इनको मैं हल्का सा डार्क करूंगा, एक्सपोजर को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। एक और चीज़ मज़े की मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डॉज एंड बर्न टूल हैं, ये आप आम तौर पे जब इस्तेमाल हम करते हैं तो इन टूल्स को एक दूसरे के साथ एज अ कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना पड़ता है। यानी कि बाज़ुकात कहीं पे आप डार्क सेट कर रहे हैं तो फौरन आपको हाइलाइट्स नज़र आ जाती हैं, वो आप उसी वक्त मिस ना करें, उसी वक्त आप वो हाइलाइट्स जो हैं वो वहाँ पर अप्लाई करें और आगे मूव कर दें। और दूसरा एक ये भी आपको मैं टिप देता चलूँ कि जहाँ जहाँ पर आप हाइलाइट्स ऐड कर रहे हैं वहीं वहीं पर उनके बिल्कुल साथ वाले एरियाज़ में कहीं ना कहीं डार्क्स की भी एक आपको गुंजाइश जो है वो नज़र आएगी। जिस तरह से ये देखें मैं इस इमेज के अंदर डार्क्स ऐड कर रहा हूँ, ये देखें बड़ा क्लियर है कि जो जॉ लाइन है दोस्तों, जॉ लाइन इस इमेज में हमारे पास हमारे करेक्टर की, इसके नीचे का जो एरिया है वो शेडोज़ वाला है, तो वहाँ पर मैंने बर्न का इस्तेमाल किया है। और जो हाईलाइट्स वाला एरिया है वहाँ पर, यानी कि जो चीक्स वाला एरिया, अपर चीक्स वाला एरिया, वहाँ पर मैंने डॉज का इस्तेमाल किया है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि इमेज कितना इंटरेस्टिंग हो गया। अब अगर मैं डॉज एंड बर्न को ऑफ करूं और दोबारा ऑन करूं तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने है कि ये जो इमेज है ये किस कदर पहले की निस्बत अपलिफ्ट हो चुका है और लाइट और डार्क्स के ऐड होने से ये इमेज कितना खूबसूरत बन चुका हुआ है। दोस्तों इस लेसन में हम लोगों ने फोटोशॉप में डॉज एंड बर्न टूल को स्टडी किया और आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से हमने अपने इमेज को कितना अपलिफ्ट कर दिया। दोस्तों इन दोनों टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी इमेज को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और विजुअली अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फोटो एडिटिंग के अंदर डॉज एंड बर्न टूल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। दोस्तों आगे चल के जब आप लेआउट्स क्रिएट करेंगे पोस्टर्स की, मैगजीन्स की, न्यूज़पेपर एड्स की, उस वक्त आपको अपनी इमेजेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और उनमें ड्रामेटिक इफेक्ट को पैदा करने के लिए इन दोनों टूल्स का बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डॉज एंड बर्न टूल समझ में आ गए होंगे। अब आप लोगों ने इन दोनों टूल्स की बहुत ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं कुछ मज़ीद मज़ेदार टूल्स के साथ।